हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, ओके, जो कि प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी करें। और इसके अलावा अगर आपको वीडियो की PDF चाहिए या जो भी नोट्स हमने किए हैं, जो भी लेक्चर किए हैं, उन सभी की PDF अगर आपको चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ जाके आप ले सकते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चंस करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कैन नॉट रिप्लेस, ठीक है, मतलब कौन सा है जो इसमें क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस नहीं कर सकता है। इन द फॉलोइंग सी कोड टू प्रिंट ऑल ऑड नंबर लेस देन 100। हमें क्या प्रिंट कराने हैं? ऑल ऑड नंबर्स जो कि लेस देन हो किससे? 100 से, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन दी गई है, मतलब फॉर लूप लगाया गया है, आई इक्वल टू 1 है, देन क्वेश्चन मार्क है, एंड आई में फिर इंक्रीमेंट किया गया है, आई इक्वल टू आई प्लस 2। उसके बाद प्रिंट एफ है, आई को क्या किया गया है? प्रिंट करवाया गया है। तो यहां पर कौन सी कंडीशन हम नहीं डाल सकते हैं? सबसे पहले कह रहा है कि आई लेस देन इक्वल टू 100, आई लेस देन इक्वल टू 100। देखिए यहां पर हम डाल सकते हैं इसको, क्योंकि लेस देन इक्वल टू 100 आ सकता है, लेकिन 100 क्या है? ऑड नंबर नहीं है, तो ये तो प्रिंट नहीं होगा। तो ऑब्वियस 99 तक जो है प्रिंट होके रह जाएगी, लास्ट जो ऑड नंबर होगा वो 99 ही होगा, ठीक है। तो ये कंडीशन यहाँ पे डाल सकते हैं हम, ठीक है। सी में देखिए आई लेस देन 100 है, तो ये भी पॉसिबल है। फिर है आई लेस देन 101, तो ये भी पॉसिबल है, 101 से लेस ही है, लेस ही है, क्योंकि जब हम इंक्रीमेंट करेंगे तो 101 जो है बनेगा 99 प्लस 2, 101 आएगा, कुछ इस तरीके से। तो 101 लेस देन है 101 से, तो ये भी जो है फॉल्स हो जाएगा, तो इसको भी जो है हम यहाँ पे डाल सकते हैं। लेकिन ऑप्शन बी अगर आप देखेंगे तो आई लेस देन इक्वल टू 101 जो है नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू दे दिया, और जैसे ही 101 होगा वो हमारी कंडीशन वहाँ पर ट्रू हो जाएगी और हम जो है 100 से ऊपर जो है चले जाएंगे, लेकिन हमें 99 तक ही रखना है, 100 से लेस जो है प्रिंट कराना है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि ये जो है रिप्लेस नहीं कर सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन सी प्लस प्लस, इनमें से कौन सा है जो कि सही नहीं है, ठीक है, सी प्लस प्लस में। देखिए फर्स्ट है प्राइवेट एलिमेंट ऑफ ए बेस क्लास आर नॉट असेसिबल बाय मेंबर ऑफ इट्स डिराइव्ड क्लास, प्रोटेक्टेड एलिमेंट ऑफ बेस क्लास आर नॉट असेसिबल बाय मेंबर ऑफ इट्स डिराइव्ड क्लास, when base class access specified is public, public element of the base class become public member of its derived class, when base class access specified is public, protective member of base class become protective member of derived class. okay, देखिए कौन सा ट्रू नहीं है, वन बाई वन पढ़ते। सबसे पहले कह रहा है कि जो प्राइवेट एलिमेंट होते हैं बेस क्लास के, वो असेसिबल नहीं होते बाई मेंबर ऑफ इट्स डिराइव क्लास। बिल्कुल सही है, प्राइवेट मेंबर्स को जो है हम एक्सेस नहीं कर पाते, ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। पब्लिक और प्रोटेक्टेड के जो होते हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस नहीं किया जाता है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि प्रोटेक्टेड एलिमेंट ऑफ बेस क्लास आर नॉट असेसिबल, लेकिन प्रोटेक्टेड एलिमेंट को हम क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं, तो ये यहाँ पे फॉल्स है, ठीक है। ये होना चाहिए था प्रोटेक्टेड एलिमेंट ऑफ बेस क्लास आर असेसिबल बाय मेंबर ऑफ इट्स डिराइव्ड क्लास, यानी कि जो मेंबर है डिराइव्ड क्लास के वो उसको एक्सेस कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे जो ट्रू नहीं है वो ऑप्शन बी ही है, बाकी दोनों भी सही है। अगर बेस क्लास एक्सेस स्पेसिफाइड पब्लिक है तो पब्लिक एलिमेंट जो होंगे बेस क्लास के वो बिकम क्या बन जाएंगे? पब्लिक मेंबर बन जाएंगे डिराइव्ड क्लास के, और अगर पब्लिक है प्रोटेक्टेड एलिमेंट के तो वो क्या बन जाएंगे? प्रोटेक्टेड मेंबर बन जाएंगे डिराइव्ड क्लास के, ओके। तो एक्सेस स्पेसिफायर में ये चीजें हमने पढ़ी थी, और प्राइवेट एलिमेंट को हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ कंस्ट्रक्टर फंक्शन इन सी प्लस प्लस, जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन से रिलेटेड सही है इसमें वो बताना है, ठीक है, ट्रू बताना है, ओके। फर्स्ट कह रहा है ए क्लास मस्ट हैव एटलीस्ट वन कंस्ट्रक्टर, कि क्लास में जो है कम से कम एक ज़्यादा से ज़्यादा एक कंस्ट्रक्टर होना चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, तो ये नहीं है, सही नहीं है। अगला है कंस्ट्रक्टर इज ए यूनिक फंक्शन विच कैन नॉट बी ओवरलोडेड, तो ओवरलोड हो सकता है, ये भी पॉसिबल नहीं है, मतलब ट्रू नहीं है। ए कंस्ट्रक्टर फंक्शन मस्ट बी इन्वोक्ड विद द ऑब्जेक्ट नेम, ये बिल्कुल सही है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन इन्वोक्ड होता है विद द ऑब्जेक्ट नेम, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन ये भी गलत है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन मस्ट बी इन्वोक्ड विद द ऑब्जेक्ट नेम, ये सही नहीं है, ऑटोमेटिकली इन्वोक्ड हो जाता है व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएट, यानी कि जब हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन जो है ऑटोमेटिकली इन्वोक्ड होता है, ओके। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, बाकी तीनों जो है गलत है, ठीक है।
ओके अगला देखिए, प्राइमरी की फॉर एन एंटिटी इज अ कैंडिडेट की एट्रीब्यूट, यूनिक एट्रीब्यूट या सुपर की। ओके प्राइमरी की क्या होती है किसी भी एंटिटी में, जिसमें क्या हो यूनिक एट्रीब्यूट होते हैं उसी को हम प्राइमरी की लेते हैं, ठीक है। और ना ही प्राइमरी प्राइमरी की में क्या होता है, नल वैल्यूज भी जो है प्राइमरी की में नहीं होती ना, तो मतलब देखिए यूनिक एट्रीब्यूट भी होते हैं, प्राइमरी की कौन सी होती है जिसमें यूनिक एट्रीब्यूट हो और साथ में नल वैल्यू भी ना हो उसमें, ओके तो वो प्राइमरी की हो जाती है, तो ए यूनिक एट्रीब्यूट यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, एग्रीगेट फंक्शन इन एसक्यूएल आर, एसक्यूएल में एग्रीगेट फंक्शन कौन कौन से होते हैं ये बताना है यहाँ पे। देखिए कौन कौन से होते हैं एग्रीगेट फंक्शन, यहाँ पे दिए हैं ग्रेटेस्ट, लीस्ट एंड एल्प्स, सम काउंट एवरेज, अपर लोअर लेंथ, शॉर्ट पावर मोड, स्क्वेयर रूट, स्क्वेयर रूट पावर और मोड। तो देखिए एग्रीगेट फंक्शन हमने पहले भी एक क्वेश्चन पढ़ा था जिसमें आया था एग्रीगेट फंक्शन कौन सा इनमें से, तो एवरेज मैंने बताया था एग्रीगेट फंक्शन होता है, इसके अलावा सम काउंट मीन मैक्स ये सब क्या है एग्रीगेट फंक्शन है, ठीक है ओके तो याद रखिए, इसके अलावा सम काउंट एवरेज हो गया, मीन हो गया और मैक्स हो गया, ये भी क्या है एग्रीगेट फंक्शन ही है, वही मिनिमम वैल्यू करेंगे मैक्सिमम वैल्यू देगा मीन, और सम में क्या होगा सम फंक्शन क्या करेगा रिटर्न करेगा टोटल सम ऑफ न्यूमेरिक कॉलम, एवरेज फंक्शन क्या करेगा रिटर्न करेगा एवरेज वैल्यू ऑफ न्यूमेरिक कॉलम, और काउंट क्या करेगा ये रिटर्न करेगा नंबर ऑफ रोज दैट मैचेज स्पेसिफाइड क्राइटेरिया। ओके तो सम इसमें नंबर ऑफ जो भी कॉलम्स होंगे टोटल सम उनका आएगा, काउंट में काउंट फंक्शन में नंबर ऑफ रोज से रिलेटेड होगा ये याद रखिए, और एवरेज जो होगा इसमें एवरेज वैल्यू होगी न्यूमेरिक कॉलम की, ठीक तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, इफ ए रिलेशन इज इन 2NF एंड 3NF फॉर्म देन, अगर कह रहा है कि कोई रिलेशन अगर 2NF में भी और 3NF फॉर्म में भी है देन क्या होगा यहां पे, नो नोन प्राइम एट्रीब्यूट इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन अदर नोन प्राइम एट्रीब्यूट, नो नोन प्राइम एट्रीब्यूट इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन प्राइम एट्रीब्यूट, All attribute are functionally dependent. Prime attribute is functionally independent of all non-prime attribute. Okay, मतलब दोनों में होने के लिए, मतलब कोई relation अगर 2NF और 3NF दोनों में है तो main जो criteria रहेगा उसका क्या रहेगा। देखिए 2NF में relation कब होती है, A relation is said to be in 2NF if there is no partial dependency. ठीक है वो होता है 2NF, अगर जितने भी attribute है अगर वो functionally dependent है, functionally डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट नॉट इंडिपेंडेंट, तो वो 2NF फॉर्म जो है उसकी बनती है और उसमें क्या कोई भी जो है पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, तो रिलेशन क्या होगी 2NF होगी। ठीक है और 3NF क्या कहता है, कोई रिलेशन तभी 3NF हो सकती है जब उसमें कोई भी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट ना करती हो। ठीक है कोई भी ट्रांजिटिव या डिपेंडेंसी एग्जिस्ट ना करती हो, साथ ही कोई भी मतलब कोई भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट जो है वो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट पर को प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए या डिपेंड नहीं होना चाहिए, कुछ इस तरीके से आप बोल सकते हैं। ओके तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा कि नो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, मतलब कोई भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट जो है फंक्शनली डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए नॉन प्राइम एट्रीब्यूट पे। ठीक है तभी क्या बनेगी वो रिलेशन 2NF और 3NF फॉर्म में आएगी। ओके एक मिनट, आप देखिए यहाँ पे सेकंड वाला क्यों गलत है, क्यों क्या कह रहा है कि कोई भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट जो है वो फंक्शनली डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए प्राइम एट्रीब्यूट पे, तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि कंडीशन हमारी क्या कहती है कि नॉन प्राइम एट्रीब्यूट जो है वो प्राइम एट्रीब्यूट पे फुल्ली फंक्शनली डिपेंडेंट होता है। ओके जो मैंने बोला है वो क्या बोला है कि कोई भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, तो फर्स्ट वाला जो है उसको सही कर रहा है, तो फर्स्ट वाला इसलिए सही है। फिर अगला में ऑप्शन सी में अगर आप देखेंगे कि ऑल एट्रीब्यूट्स आर फंक्शनली इंडिपेंडेंट, जितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं वो फंक्शनली इंडिपेंडेंट होते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। ओके क्योंकि अगर सारे के सारे एट्रीब्यूट फंक्शनली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तो 2NF और 3NF तो फिर अक्कर होगी नहीं वहाँ पे, मतलब उसको सेटिस्फाई नहीं होगा। यहाँ पे होना चाहिए था कि ऑल एट्रीब्यूट्स आर फुली फंक्शनली डिपेंडेंट हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट नहीं, तो ये भी गलत जो है यहाँ पे हो जाएगी। ओके फिर आगे कह रहा है कि प्राइम एट्रीब्यूट जो है वो फंक्शनली डिपेंडेंट होने चाहिए, प्राइम एट्रीब्यूट थोड़ी फंक्शनली डिपेंडेंट होंगे, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट फंक्शनली डिपेंडेंट होंगे, फिर से वही इंडिपेंडेंट आ रहा है। ओके तो इसीलिए तीनों ही गलत है, सिर्फ फर्स्ट जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके चलिए अगला देखिए, द एंड ऑफ एन एसक्यूएल कमांड इज डिनोटेड बाय एन एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर, एन एंटर की मार्कर, एंटरिंग F4 की या इस सेमी कॉलन। एसक्यूएल कमांड जो है उसका एंड हम किस के साथ करते हैं,
तो राइट आंसर हो जाएगा एसक्यूएल कमांड का जो एंड है उसको डिनोट किया जाता है इस सेमी कॉलन। डी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है कंसीडर द क्वेरी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये एसक्यूएल कमांड को लेके लिखा गया है और इसको देखिए एंड कहाँ से किया गया है, सेमी कॉलन से किया गया है। ठीक है, तो बस यही आपको याद रखना है। चलिए, एक क्वेरी दी गई है जहाँ पे लिखा गया है सिलेक्ट स्टूडेंट नेम, सिलेक्ट करना है हमें स्टूडेंट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर क्लास नेम इक्वल टू हो, फिर हमें सिलेक्ट करनी क्लास नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मैथ मार्क्स इक्वल टू 100 व्हाट विल बी द आउटपुट। तो इसमें अब हमें आउटपुट बतानी है कि यहाँ से क्या आउटपुट जो है हमें मिलेगी। कि लिस्ट ऑफ नेम ऑफ स्टूडेंट विद 100 मार्क्स इन मैथमेटिक्स, द नेम ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ ऑल क्लासेस इन विच एटलीस्ट वन स्टूडेंट हैज 100 मार्क्स इन मैथमेटिक्स, या द नेम ऑफ ऑल स्टूडेंट इन ऑल क्लास हैविंग 100 मार्क्स इन मैथमेटिक्स, एंड द नेम एंड क्लास ऑफ ऑल स्टूडेंट हुज मार्क्स इन मैथमेटिक्स इज 100। तो कौन सी जो है यहाँ पे सही लग के मिलेगी। देखिए यहाँ पे देखिए जो टेबल दी गई है उसमें क्या क्या दिया गया, एक स्टूडेंट टेबल है जिसमें स्टूडेंट नेम है, इसको थोड़ा सा बना के अगर हम देखें तो मे बी उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर मिल जाए। सबसे पहले अगर हम देखेंगे स्टूडेंट टेबल में स्टूडेंट नेम दिया गया है, तो यहाँ पर आप स्टूडेंट नेम लिख सकते हैं। ठीक है, फिर दूसरा जो इसमें यूज़ हुआ है वो है क्लास नेम, तो क्लास नेम हो जाएगा इस टेबल में। और तीसरा है मैथ के मार्क्स हैं, तो यहाँ पे मैथ मार्क्स आप लिख सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैं ऐसे स्टूडेंट नेम ले लेती हूँ ए एन डी और जे। ठीक है, इसकी क्लास के नाम मैंने ले लिए एक्स वाई एक्स और जेड, और मार्क्स जो हैं 100 हैं, देन 80 है, 100 है और 100 है। अब ये क्या कह रहा है, सबसे पहले इसमें देखिए सिलेक्ट करना है हमें स्टूडेंट नेम, सिलेक्ट क्या करना है स्टूडेंट नेम सिलेक्ट करना है फ्रॉम स्टूडेंट, कहाँ से स्टूडेंट जो टेबल है वहाँ से, किस स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है, स्टूडेंट नेम ये है ए एन डी जे। ठीक है, सिलेक्शन है तो सिलेक्शन में क्या आता है, नंबर ऑफ कॉलम आएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे वे हर कौन सा जो है सिलेक्ट करना है स्टूडेंट नेम, जहाँ पर क्लास नेम जो है इक्वल टू हो, और उस क्लास नेम में से मतलब क्लास नेम के अंदर भी हम एक कंडीशन लगा रहे हैं कि सिलेक्ट क्लास नेम फ्रॉम स्टूडेंट वे हर मैथ मार्क्स इक्वल टू 100, मतलब जिसके क्या आए हों 100 मार्क्स आए, और 100 मार्क्स अगर आप देखेंगे तो क्लास ए वाले के आए हैं, सॉरी क्लास नेम जिसका एक्स है, और क्लास नेम एक्स इसका भी है और इसका भी, मतलब इन तीनों के आए हैं, तो इन स्टूडेंट्स के नेम चाहिए, तो सिलेक्ट होके हमें आंसर क्या मिलेगा यहाँ से ए डी और जे, ये वाली जो है हमें आउटपुट मिल जाएगी स्टूडेंट नेम। ठीक है, रिजल्ट क्वेरी का जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, स्टूडेंट नेम और ए डी जे, ये सिलेक्ट होके हमें यहाँ से मिलेगा। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा, द नेम ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ ऑल क्लासेस इन विच एटलीस्ट वन स्टूडेंट हैज़ 100 मार्क्स इन मैथमेटिक्स, जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा था द नेम ऑफ ऑल स्टूडेंट इन ऑल क्लासेस हैविंग, मतलब सारी क्लासेस में कितने हो 100 मार्क्स हो मैथमेटिक्स में, तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, कंसिडर ए रूटेड ट्री इन विच एवरी नोड हैज एटलीस्ट 3 चिल्ड्रन, एक रूटेड ट्री ले रहा है जिसमें हर एक नोड के 3 चिल्ड्रन हो, तो व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ नोड एट लेवल आई ऑफ द ट्री, मिनिमम नंबर ऑफ नोड बतानी है किस पे, लेवल आई पे, और आई जो है वो क्या है ग्रेटर देन 0 है, यानी कि लेवल जो है ये 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी, लेकिन 0 से बड़ा होगा, तो एज्यूम दैट द रूट इज एट लेवल 0, और एज्यूम करना है कि रूट जो है वो 0 लेवल पे। देखिए यहाँ पे दिया मैंने एक रूट, इस ये किस लेवल पे है, 0 लेवल पे है। अब इसके कितने जो है नोड बोला इसने, एटलीस्ट 3 चिल्ड्रन, ठीक है, एटलीस्ट, तो एटलीस्ट 3 चिल्ड्रन हम बना लेते हैं, 1, 2 और 3, ये आ गई इसकी हाइट 1। अब ये 0 से बड़ी है, ठीक है, 0 से बड़ी है, तो अब देखिए यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स निकालने का फॉर्मूला क्या हो सकता है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए 3i दिया है, ठीक है, 3 की पावर i दिया, और ये 3i दिया है यहाँ पे, ये 3i है और ये 3 की पावर i है। अब देखिए इसमें से अगर हम देखें तो कौन सा होगा, देखिए सिर्फ अगर मैं 3 लूंगी तो रूट 1 पे अगर आप देखेंगे तो 3 नहीं आ रहा है यहाँ पे, नोड कितनी आ रही है,
वन आ रही है ना, जीरो लेवल पे वन नोड आ रही है, और लेवल वन पे अगर आप देखेंगे तो नोड कितनी आ रही है, थ्री नोड आ रही है। तो वन लेवल पे थ्री नोड किस तरीके से निकल सकती हैं? अगर मैं थ्री की पावर आई करूँ, थ्री की पावर आई मतलब इसकी जो डिग्री दी गई है उसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे लेवल वन था तो थ्री की पावर वन इक्वल टू थ्री। तो देखिए इस लेवल पे तीन नोड निकल रही हैं, वन टू थ्री, तो ऑब्वियस है यही आंसर हो जाएगा। अगर मैं थ्री आई प्लस वन लेती तो ये कितना हो जाता, थ्री इंटू वन प्लस वन फोर हो जाता है, यहाँ पे फोर नोड होती तो हम इसको आंसर बोल सकते थे। थ्री भी नहीं होगा सिंपल थ्री, क्योंकि आगे जाके फिर ये अलग हो जाएगा, तो क्योंकि इसके भी तीन लोगे, फिर इसके भी तीन होंगे, फिर इसके भी तीन, तो वहाँ पर हम नहीं निकाल पाएंगे। तो फॉर्मूला जो यहाँ पे सही रहेगा वो रहेगा थ्री आई का, ठीक है, ओके। इसको बेशक आप आगे करके देख सकते हैं, जैसे यहाँ से निकले वन टू थ्री, ठीक है, फिर यहाँ से इसके तीन, इसके थ्री चिल्ड्रंस होंगे और इसके थ्री चिल्ड्रंस होंगे, ठीक है। यहाँ पे थ्री की पावर ज़ीरो थी तो यहाँ पे वन ही थी नोड, यहाँ पे थ्री की पावर वन हो गई क्योंकि ज़ीरो वन टू इस तरीके से चल रहा है, तो यहाँ पे तीन नोड थी। फिर थ्री की पावर टू हुई तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कितनी नोड है, नाइन नोड है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो थ्री की पावर आई जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड टू इंप्लीमेंट रिकर्जन, कौन सा डाटा स्ट्रक्चर है जिसको यूज किया जाता है टू इंप्लीमेंट रिकर्जन, रिकर्जन इंप्लीमेंट करने के लिए किसका यूज करते हैं, स्टैक का यूज किया जाता है, स्टैक इज यूज्ड टू इंप्लीमेंट रिकर्जन, ठीक है, क्योंकि रिकर्जन जो होती है इसकी एप्लीकेशन होती है स्टैक की, ओके। और इसके अलावा रिकर्जन और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस को सपोर्ट करता है, जैसे एक्सप्रेशन इवेल्युएशन हो गया, रिकर्जन सॉरी स्टैक, ओके, सिंटैक्स पार्सिंग है। तो अगर पूछा जा सकता है ना कि किन किन उनको जो है सपोर्ट करता है स्टैक, मतलब बहुत सारी एप्लीकेशन है ना इसकी स्टैक की, तो कौन कौन सी ये पूछी जा सकती हैं, तो रिकर्जन तो है ही, इसके अलावा एक्सप्रेशन इवेल्युएशन है, एक्सप्रेशन इवेल्युएशन, इस एक्सप्रेशन कन्वर्जन भी जो है इसकी एप्लीकेशन है स्टैक की, एक्सप्रेशन कन्वर्जन, सिंटैक्स पार्सिंग हो गया तो ये भी आपको पता होनी चाहिए, बैक ट्रैकिंग हो गया, बैक ट्रैकिंग भी कई बार जो है पूछ ली जाती है, इसके अलावा पेरेंथीसिस चेकिंग है, स्ट्रिंग रिवर्सल है, ये जो है किसकी, स्टैक की एप्लीकेशन है। तो ये सारी आपको याद होनी चाहिए, कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है कि कौन सी इनमें से स्टैक की एप्लीकेशन नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे स्टैक करेक्ट हो जाएगा। अगला है द हाइट ऑफ ए बाइनरी ट्री विद एन नोड इन द वर्स्ट केस इज अ, हाइट किसकी बतानी है, बाइनरी ट्री की बतानी है विद एन नोड इन द वर्स्ट केस, तो वर्स्ट केस में जो हाइट होगी बाइनरी ट्री की वो क्या होगी, ऑर्डर ऑफ एन हो जाएगी, ठीक है, ऑर्डर ऑफ एन, बी ऑप्शन जो है सही होगा। अगला है एन एग्जाम्पल ऑफ ए फाइल एक्सटेंशन इज, इनमें से जो फाइल एक्सटेंशन का एग्जाम्पल है वो बताना है, टेक्स्ट, पिक्ट, वैब या एम पी थ्री। देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे टेक्स्ट हो गया, पिक्ट हो गया या फिर वैब हो गया, ये फाइल एक्सटेंशन नहीं है, लेकिन एम पी थ्री आपने देखा होगा, एम पी थ्री एक्सटेंशन होता है, किन का होता है, ऑडियो फाइल्स का एक्सटेंशन होता है ना ये, ठीक है, तो ये फाइल एक्सटेंशन हो जाएगा, और पूछा भी जाए अगर किसका है तो ऑडियो फाइल्स का है। चलिए नेक्स्ट देखिए, द बेस्ट नोन एग्जाम्पल ऑफ ए मैन इज, ओके, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल बताना, इथरनेट, केबल टेलीविजन, एफ डबल डी आई, आई ट्रिपल ई 802.3। सबसे पहले इथरनेट, इथरनेट की अगर हम बात करें तो ये एक केबल की तरीके से होती है जिससे हम इंटरनेट वगैरह लेते हैं, तो इथरनेट वही होती है इंटरनेट के लिए जो यूज़ की जाती है जो केबल, तो ऑब्वियस है ये मेट्रोपॉलिटन एरिया, पूरे शहर की बात हो रही है ना, अब लोकल एरिया में कहाँ पे जाते हैं, पूरा एक सॉरी बिल्डिंग या कॉलेज कैंपस हो गया, स्कूल कैंपस हो गया, उसको कवर करता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, पूरे शहर को कवर करता है, ओके, तो ऑब्वियस है इथरनेट तो नहीं होगा वहाँ पे यूज़, ठीक। इसमें एक आई ट्रिपल ई 802.3 दिया है, तो ये भी क्या होता है, ये किसका स्टैंडर्ड होता है, इथरनेट का होता है, तो यानी कि ये एक्चुअल नेम है इथरनेट का, तो ऑब्वियस है इथरनेट भी नहीं होगा, इथरनेट तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। एफ डबल डी आई भी है एक यहाँ पे, तो एफ डबल डी आई भी क्या होता है, एफ डबल डी आई भी एक केबल ही होती है जिससे हम इंटरनेट लेते हैं, तो ये भी नहीं होगा। अब बचा यहाँ पे केबल टेलीविजन, तो केबल टेलीविजन इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ मैन, ठीक है, तो ऑब्वियस है पूरा शहर को कवर करता है ना केबल, तो इसीलिए यहाँ पे ये मैन का बेस्ट एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन ए ब्रॉडकास्ट नेटवर्क ए लेयर दैट इज ऑफन थिन और नॉन एग्जिस्टेंट इज अ,
ब्रॉडकास्ट नेटवर्क में वो लेयर जो कि थिन और नॉन एग्जिस्टेंट होती है वो कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा नेटवर्क लेयर इज थिन और नॉन एग्जिस्टेंट ब्रॉडकास्ट नेटवर्क में, ठीक है। चलिए अगला देखिए, एन एग्जाम्पल ऑफ एन अडेप्टिव राउटिंग एल्गोरिथम इज अ, ओके यहाँ पे अडेप्टिव राउटिंग एल्गोरिथम का एग्जाम्पल बताना है कौन सा है। अडेप्टिव राउटिंग एल्गोरिथम कौन सी होती है जो अपना राउटिंग डिसीजन जो है चेंज नहीं करती है, ठीक है, ओके तो ये बस आप याद रखिए इसमें, और नॉन अडेप्टिव जो है जो चेंज कर लेती हैं। तो एग्जाम्पल यहाँ पे अडेप्टिव राउटिंग एल्गोरिथम का कौन सा है, डिस्टेंस वैक्टर राउटिंग एल्गोरिथम है ये, बाकी जो है ये नॉन अडेप्टिव राउटिंग एल्गोरिथम बन जाएंगे, फ्लडिंग हुई, सिलेक्टिव फ्लडिंग हुई, शॉर्टेस्ट पाथ राउटिंग हुई, ओके। नेक्स्ट देखिए, ए मेजर डिफेक्ट इन वाटरफॉल मॉडल इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज दैट द डॉक्यूमेंटेशन इज डिफिकल्ट, ए ब्लंडर एट एनी स्टेज कैन बी डिसेस्ट्रियस, ए ट्रायल वर्जन इज अवेलेबल ओनली एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट, द मेंटेनेंस ऑफ द सॉफ्टवेयर इज डिफिकल्ट, ओके। डॉक्यूमेंटेशन डिफिकल्ट है, क्या ये उसका मेजर डिफेक्ट है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। उसमें जो मेन प्रॉब्लम आती है वो क्या होती है कि जो ट्रायल वर्जन मतलब बनने के बाद ही जो है हम उसका ट्रायल ले सकते हैं कि वो किस तरीके का बना है। तो ट्रायल वर्जन इज अवेलेबल ओनली एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी कि वो जो अवेलेबल होगा पूरी तरीके से वो हमें जब वो पूरा हो जाएगा तभी अवेलेबल होगा। तो ये इसका मेजर डिफेक्ट होता है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, फंक्शन पॉइंट मैट्रिक ऑफ ए सॉफ्टवेयर ऑल्सो डिपेंड ऑन द, फंक्शन पॉइंट मैट्रिक जो होता है सॉफ्टवेयर में वो किस पर डिपेंड करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ एक्सटर्नल एंड एक्सटर्नल इनपुट एंड आउटपुट, सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, फंक्शन पॉइंट मैट्रिक ऑफ ए सॉफ्टवेयर, ठीक। चलिए अगला देखिए, एन एरर मैसेज प्रोड्यूस्ड बाय एन इंटरेक्टिव सिस्टम शुड हैव, एरर मैसेज प्रोड्यूस्ड बाय एन इंटरेक्टिव सिस्टम शुड हैव, क्या होना चाहिए? ऑलवेज द एरर कोड, द लिस्ट ऑफ मिस्टेक डन बाय द यूजर डिस्प्लेड, ए नॉन जजमेंटल अप्रोच, या द पास्ट रिकॉर्ड ऑफ द अकरेंस ऑफ द सेम मिस्टेक, ओके। जो एरर मैसेज प्रोड्यूस किया जाता है इंटरेक्टिव सिस्टम के द्वारा वो क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा द लिस्ट ऑफ द मिस्टेक डन बाय द यूजर डिस्प्ले, बी ऑप्शन जो है सही होगा यहाँ पे, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ राइट शिफ्ट बिटवाइज ऑपरेटर इन सी लैंग्वेज, आफ्टर शिफ्टिंग एन बिट्स द लेफ्ट मोस्ट एन बिट्स आर ऑलवेज फिल्ड विद जीरो, आर ऑलवेज फिल्ड विद वंस, आर फिल्ड विद जीरोज और वंस एंड इज मशीन डिपेंडेंट, सॉरी मशीन डिपेंडेंट या नन ऑफ द अबव, ओके। ये कह रहा है कि राइट शिफ्ट ऑपरेटर जब हम करते हैं सी लैंग्वेज में शिफ्ट करते हैं एन बिट्स को, तो लेफ्ट मोस्ट जो एन बिट्स होती है उसको हम किसके द्वारा फिल करते हैं? क्या जीरो के द्वारा, वंस के द्वारा, या जीरो वन, ये मशीन डिपेंडेंट होता है, ये बताना है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आर फिल्ड विद जीरोज और वंस एंड इज मशीन डिपेंडेंट, ठीक है। देखिए अगर इनपुट हमारी, अगर इनपुट जो है, इनपुट की अगर मैं बात करूँ, अगर वो पॉजिटिव नंबर है तो हम उसको फिल करते हैं जीरो के साथ, ठीक है, और अगर इनपुट नेगेटिव नंबर है तो इसको फिल किया जाता है वंस के साथ। तो ऑब्वियस है, ऑलवेज वाला तो यहाँ से रूल हट ही जाएगा, तो ये कैसा होगा? मशीन डिपेंडेंट होगा। तो जिस तरीके का नंबर होगा उसी के अकॉर्डिंग होगा, इनपुट जैसा होगा उसी के अकॉर्डिंग जो है उसको फिल किया जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। अगला देखिए, व्हाट कीबोर्ड इन क्लास स्पेसिफिकेशन हेल्प्स टू हाइड डाटा, तो कौन सा कीबोर्ड है, सॉरी कीवर्ड इन क्लास स्पेसिफिकेशन हेल्प्स टू हाइड डाटा, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, या वॉइड, कोई कौन सा मतलब कौन सा स्पेसिफायर है जो हेल्प करता है टू हाइड डाटा? डाटा को हाइड किससे कर सकते हैं? प्राइवेट से कर सकते हैं ना, क्योंकि उसको उस वो ये हमने ऊपर भी पढ़ा था कि इसमें हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इसको मतलब प्राइवेट में जो भी होता है उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ये मॉडिफायर जो होता है प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर, ये कहाँ पे एक्सेस हो सकता है? ओनली विद इन क्लास, ठीक है, मतलब उस क्लास के अंदर ही जहाँ पे इसको किया गया है डिक्लेयर, ठीक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कैन बी अचीव्ड बाय, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को कैसे अचीव कर सकते हैं? एक्सेसिंग वर्चुअल फंक्शन,
थ्रू द पॉइंटर ऑफ द बेस क्लास एक्सेसिंग वर्चुअल फंक्शन थ्रू द ऑब्जेक्ट या डिराइव्ड क्लास इन वन ऑफ दीज. देखिए रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव किया जाता है बाय एक्सेसिंग वर्चुअल फंक्शन थ्रू द पॉइंटर ऑफ द बेस क्लास. ठीक है. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग. टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल सफर फ्रॉम डेडलॉक. टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल सफर फ्रॉम मोर अबॉर्ट्स. टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल सफर फ्रॉम कास्केडिंग रोल बैक वेयर एज टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल डू नॉट नन ऑफ दीज. ओके, यहाँ पे हमें रोंग बतानी है कि कौन सी रोंग है. ठीक है, देखिए टू फेज लॉकिंग सफर फ्रॉम डेडलॉक, ये बिल्कुल सही है क्योंकि टू फेज लॉकिंग जो है ये सिर्फ क्या प्रोवाइड करवाता है या कह लीजिए फ्री करता है, किससे? सीरियलाइजेबल शेड्यूल से फ्री करता है. ओके, प्रोवाइड करवाता है सीरियलाइजेबल शेड्यूल, बट डेडलॉक फ्री जो है सीरियलाइजेबल शेड्यूल जो है प्रोवाइड नहीं करवाता है. ओके, तो टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल सफर फ्रॉम डेडलॉक, ये बिल्कुल सही है यहाँ पे. फिर अगला है टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल. तो टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल जो है सफर करता है मोर अबॉर्ट से, ये भी बिल्कुल सही है. अगला कह रहा है कि टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल सफर फ्रॉम कास्केडिंग रोल बैक वेयर एज टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल डू नॉट. तो ये यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन सी जो है ये गलत है. ठीक है, ओके. चलिए नेक्स्ट देखिए, ए रिकर्सिव फॉरेन की इज ए रेफरेंस इज ए रिलेशन, रेफरेंस इज ए टेबल, रेफरेंस इज इट्स ऑन रिलेशन या रेफरेंस इज ए फॉरेन की. रिकर्सिव फॉरेन की क्या होती है? एक रिकर्सिव फॉरेन की क्या होती है? एक रेफरेंस होती है, इट्स ऑन रिलेशन. ठीक है, रिलेशन के साथ एक रेफरेंस होता है तो इसको हम बोलते हैं रेफरेंस इज इट्स ऑन रिलेशन. ठीक है, सी ऑप्शन. ओके, आगे देखिए, सब क्लास हैविंग मोर देन वन सुपर क्लास इज कॉल्ड. एक ऐसी क्लास जिसके पास मोर देन वन सुपर क्लास है तो उसको क्या बोला जाता है? कैटेगरी, क्लासिफिकेशन, कॉम्बिनेशन या पार्शियल पार्टिसिपेशन. तो एक ऐसी सब क्लास जिसके पास मोर देन वन सुपर क्लास है इसको बोलेंगे कैटेगरी. फर्स्ट ऑप्शन कैटेगरी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट देखिए, ए रिलेशन आर ए बी सी डी ई एफ इज गिवन विद फॉलोइंग सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी एफ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैंडिडेट की. तो इसमें से हमें कैंडिडेट की निकालनी है, तो ये मैंने आपको बताया है क्लोजर निकालेंगे. सबसे पहले जो सभी एट्रीब्यूट्स को होल्ड कर रहा होगा वो कैंडिडेट की हो जाएगी. तो सबसे पहले हमने देखा कि ए प्रोड्यूस कर रहा है बी को, तो यानी कि ए बी हो जाएगा. फिर आप बी देखेंगे तो बी एफ को भी प्रोड्यूस कर रहा है, ए ई को भी प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन ए सी को प्रोड्यूस नहीं कर रहा है. ठीक है, तो ए अकेली जो है ये की नहीं बनेगी. फिर ए सी दिया है यहाँ पे, चलिए ए सी लेकर अगर हम देखेंगे सेकंड ऑप्शन, तो ए सी अगर आप देखेंगे तो चलिए ए जो है ई को प्रोड्यूस कर रहा है. ठीक है, ए ई को प्रोड्यूस कर रहा है और इसके अलावा कुछ भी नहीं आ रहा और. ठीक है, और कुछ नहीं बन रहा है तो ऑब्वियस ए सी नहीं होगा. लेकिन अगर मैं लूँ ए डी, ए डी अगर आप देखेंगे तो ए जो है बी को प्रोड्यूस कर रहा है, तो ए डी तो साथ में आएगा ही. ए डी सी को भी प्रोड्यूस कर रहा है, ए ई को भी प्रोड्यूस कर रहा है और बी आ गया तो बी एफ को भी प्रोड्यूस कर रहा है. तो ये जो है सारे के सारे एट्रीब्यूट्स को होल्ड कर रहा है, तो ऑब्वियस है ए डी क्या बन जाएगी? कैंडिडेट की बन जाएगी. तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा. कैंडिडेट की क्या है यहाँ पे? ए डी जो है कैंडिडेट की है. ठीक है, चलिए अगला देखिए, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग डाटा इंडिपेंडेंस. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो डाटा इंडिपेंडेंस की रिगार्डिंग क्या है? फॉल्स है. हायरार्किकल डाटा मॉडल सफर फ्रॉम डाटा इंडिपेंडेंस, नेटवर्क मॉडल सफर फॉर डाटा इंडिपेंडेंस. तो वन बाय वन चेक करते हैं. देखिए सबसे पहले कह रहा है कि हायरार्किकल डाटा मॉडल सफर फ्रॉम डाटा इंडिपेंडेंस, ये बिल्कुल सही है. हायरार्किकल डाटा मॉडल जो है सफर करता है डाटा इंडिपेंडेंस से. फिर नेटवर्क डाटा मॉडल सफर फ्रॉम डाटा इंडिपेंडेंस, ये भी करेक्ट है. अगला है रिलेशनल मॉडल सफर ओनली फ्रॉम लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस. एंड देन कह रहा है रिलेशनल मॉडल सफर ओनली फ्रॉम फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस. अब इनमें से कोई एक हो सकता है, या तो लॉजिकल या तो फिजिकल. तो रिलेशनल मॉडल जो है ये सफर करता है फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस से, ना कि लॉजिकल से. तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि ये इसके बारे में गलत है. ठीक है, रिलेशनल मॉडल क्या होता है? जो टेबुलर फॉर्म होती है वो होती है. ओके, तो रिलेशनल मॉडल सफर फ्रॉम लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस. अगला है द टाइम रिक्वायर्ड टू फाइंड शॉर्टेस्ट पाथ इन ए ग्राफ विद एन वर्टिसेस एंड ई एजेस इज. शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड किस तरीके से कर सकते हैं जहाँ पे हमारे पास क्या दिए गए हैं ग्राफ में? एन वर्टिसेस हैं एंड ई एजेस हैं. तो यहाँ पे शॉर्टेस्ट पाथ के लिए हम किस कौन सी एल्गोरिथम यूज कर सकते हैं? डिस्कस्ट्रा एल्गोरिथम. ठीक है, जहाँ पे अगर हम n वर्टिसेस और e अगर एजेस लेंगे तो क्या बनेगा? ऑर्डर ऑफ e
लॉग वी, ठीक है, ई लॉग वी आएगा। और हमें अगर देखेंगे ग्राफ अगर कंप्लीट है तो यहाँ पे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकलेगी वो निकलेगी ऑर्डर ऑफ एन स्केयर, ठीक है, ऑर्डर ऑफ एन स्केयर जो है यहाँ से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी निकलती है, तो ऑर्डर ऑफ एन स्केयर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला है प्री ऑर्डर इज ऑल्सो नोन एज, प्री ऑर्डर को किस नाम से जानते हैं, डेप्थ फर्स्ट ऑर्डर, ब्रेथ फर्स्ट ऑर्डर, टोपोलॉजिकल ऑर्डर या लीनियर ऑर्डर। तो प्री ऑर्डर ऑर्डर को कहा जाता है डेप्थ फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है द इक्विवेलेंट पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन फोर। ओके, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन यहाँ पे पूछा है सबसे पहले, तो देखिए क्या आएगा। तो अगर मैं इन तीनों को सॉल्व करूँ सबसे पहले, ठीक है, तो डी डी आ जाएगा सबसे पहले, नो डाउट। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक साइन जो है इस ये डिवाइड वाला है और एक प्लस वाला है, तो यहाँ पे सबसे पहले कौन सा आएगा, प्लस का आएगा, क्योंकि ब्रैकेट जब हम शुरू करेंगे तो ये यहाँ पे एज इट इज रहेगा, ठीक है। फर्स्ट ब्रैकेट हम मान के लेते हैं एंड देन उसके बाद डिवाइड आएगा, उसके बाद सेकेंड ब्रैकेट हमने जब शुरू की होगी उसके बाद प्लस का साइन आएगा, और जैसे यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज होगी तो हम क्या करेंगे, प्लस को उस तरफ लेके जाएंगे, ठीक है। तो डी ई एफ ये बनेगा और उसके बाद प्लस, अब प्लस हो गया है, ठीक है, और यहाँ पे ये क्लोज हो गया, फिर से जो है प्लस आएगा और किसके पास आएगा, ये डिवाइड के पास आएगा, डिवाइड के पास प्लस आएगा, तो ऑब्वियस है डिवाइड की जो क्या कहते हैं उसको प्रेसिडेंस होती है वो ज़्यादा होती है प्लस से, तो इस बार जो है यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिवाइड आ जाएगा, ओके, डिवाइड आ जाएगा, प्लस वहाँ पे एज इट इज रहेगा। उसके बाद जो है अगर आप देखेंगे तो बी सी है, तो बी सी हो जाएगा। अब अगर आप बात करें प्लस और मल्टीप्लाई, इसमें से किसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा है, मल्टीप्लाई की है, तो बी सी के बाद क्या आएगा, एक मिनट, यहाँ पे बनेगा डी ई एफ प्लस, देन यहाँ पे डिवाइड होगा, बी सी होगा, और अब यहाँ पे दो बचे, एक प्लस और एक मल्टीप्लाई, किसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा होगी, तो मल्टीप्लाई की ज़्यादा होगी, तो मल्टीप्लाई पहले आ जाएगा एंड देन उसके बाद प्लस आ जाएगा, ओके, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अदरवाइज अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो इसको पूरा आप डिटेल के साथ भी कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा शुरू में ब्रैकेट ली तो ये यहीं पर रहेगी, फिर डी था तो ये स्टैक में चला जाएगा वहाँ पे, उसके बाद डिवाइड आया तो वहाँ पर डी रहेगा, ओके, उसके बाद फिर से ब्रैकेट जो है शुरू की गई है और फिर ई आया तो डी ई होगा, फिर प्लस का साइन था तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, फिर डी ई एफ होगा, जैसे ही डी ई एफ होगा तो ब्रैकेट जो है क्लोज की गई है तो इस प्लस को हम उधर ले जाएंगे तो डी ई एफ प्लस हो जाएगा, ओके। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, जो तरीका आपको सही लगे आप उसके अकॉर्डिंग कर लीजिए, बट यहाँ पे ऑप्शन सही सी जो है सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, विच एल्गोरिथम हैज सम एवरेज वर्स्ट केस एंड बेस्ट केस टाइम, बाइनरी सर्च, क्विक सॉर्ट एंड क्या कहते हैं, फिबोनिक सर्च और मैक्सिमम ऑफ एन सर्च जो है यहाँ पे दिया गया है, ओके। यहाँ पे हमें बताना है जो सेम रहता है, बेस्ट, एवरेज और केस टाइम, मतलब सेम रहता है, मतलब जिसका एवरेज केस टाइम, बेस्ट केस टाइम और वर्स्ट केस टाइम तीनों का टाइम जो है सेम हो वो कौन सी होती है। अब सबसे पहले बाइनरी सर्च है, यहाँ पे अगर हम बाइनरी सर्च के बेस्ट केस की अगर हम बात करें तो ऑर्डर ऑफ वन होती है, एवरेज केस में अगर हम बात करें तो ऑर्डर ऑफ लॉग एन होती है, और वर्स्ट केस में भी अगर हम बात करें तो ऑर्डर ऑफ लॉग एन होती है बाइनरी सर्च में, ठीक है। फिर क्विक सॉर्ट है, क्विक सॉर्ट में अगर हम बेस्ट केस की बात करें तो ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन होती है, ठीक है, और एवरेज में भी ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन होती है, सॉरी एवरेज, हाँ ठीक है, और वर्स्ट केस में अगर हम बात करें क्विक सॉर्ट की तो ये होती है ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, तो यहाँ पे भी सेम नहीं है। फिर फिबोनाची की सीरीज सर्च का आप देख सकते हैं, इसमें भी ऑर्डर ऑफ वन होती है बेस्ट में, फिर ऑर्डर ऑफ लॉग एन होती है एंड ऑर्डर ऑफ लॉग एन होती है, यानी कि बाइनरी सर्च और फिबोनाची की सर्च सेम होते हैं, ओके। इसके अलावा यहाँ पे एक दिया गया है मैक्सिमम ऑफ एन नंबर्स, मैक्सिमम ऑफ एन नंबर्स में जो बेस्ट, एवरेज और वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहती है वो ऑर्डर ऑफ एन ही रहती है तीनों ही केस में, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एन हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन जो है सही होगा, ओके। चलिए अगला देखिए, एप्लीकेशन ऑफ डाटा स्ट्रक्चर इज क्यू इज, ओके, एप्लीकेशन बतानी यहाँ पे डाटा स्ट्रक्चर क्यू की, तो क्यू की देखिए, क्यू की अगर मैं एप्लीकेशन की बात करूँ तो कौन कौन सी होती है, सीपीयू शेड्यूलिंग होती है, ठीक है, डिस्क शेड्यूलिंग होती है, ये एप्लीकेशन होती है डाटा स्ट्रक्चर की, सॉरी क्यू की,
ठीक है। इसके अलावा सिंक्रोनाइजेशन होती है, सिंक्रोनाइजेशन इसमें बफर, पाइप, फाइल आईओ, आईओ ये सब आ जाते हैं सिंक्रोनाइजेशन में। बीएफएस होती है, ब्रेथ फर्स्ट सर्च, और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रायोरिटी क्यू होती है, ये होती है डाटा क्यू की एप्लीकेशन। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। डेप्थ फर्स्ट सर्च नहीं होती है, ब्रेथ फर्स्ट सर्च होगी, ये याद रखिए, बीएफएस होगी इसमें। सीपीयू शेड्यूलिंग, डिस्क शेड्यूलिंग भी साथ में याद रखिएगा। चलिए बी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन ए केस ऑफ बस ट्री टोपोलॉजी सिग्नल बैलेंसिंग इशू इज ओवरकम बाय स्ट्रॉन्ग ट्रांसमीटर, पोलिंग, सेगमेंटेशन, मॉड्यूलेशन, सॉरी। तो बस या ट्री टोपोलॉजी में जो सिग्नल बैलेंसिंग इशू है वो किसके द्वारा आता है, तो राइट आंसर हो जाएगा सिग्नल बैलेंसिंग इशू इज ओवरकम बाय सेगमेंटेशन, ठीक है। ओके नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक आर यूज्ड टू कंट्रोल डाटा फ्लो, डाटा फ्लो को कंट्रोल करने के लिए किस टेक्निक का जो है यूज किया जाता है। तो डाटा फ्लो को कंट्रोल करने के लिए विंडो का यूज करते हैं और बफरिंग का यूज किया जाता है, तो विंडोइंग एंड बफरिंग। ऑब्वियस है राउटर और आरपीसी का नहीं होगा, तो 1 और 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, टीडीएम क्या है, एक प्राइमरी और सेकेंडरी टाइप प्रोटोकॉल है, पीयर पीयर प्रोटोकॉल है, नॉन प्रायोरिटी पीयर पीयर प्रोटोकॉल है, या ए प्रायोरिटी टाइप प्रोटोकॉल है। टीडीएम मींस टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग की बात हो रही है यहाँ पे, ओके। तो टीडीएम जो होता है ये एक नॉन प्रायोरिटी पीयर टू पीयर प्रोटोकॉल होता है, तो ए नॉन प्रायोरिटी पीयर टू पीयर प्रोटोकॉल, ठीक है। अगला है, व्हाट सर्विस डज द इंटरनेट लेयर प्रोवाइड, कौन सी सर्विस है जो इंटरनेट लेयर प्रोवाइड कराती है। सबसे पहले है क्वालिटी ऑफ सर्विस, तो बिल्कुल ये इंटरनेट लेयर प्रोवाइड करवाती है क्वालिटी ऑफ सर्विस। राउटिंग भी जो होती है इस पर, एड्रेसिंग भी होती है, लेकिन कनेक्शन ओरिएंटेड डिलीवरी नहीं होती है और ना ही फ्रेमिंग बिट्स होती है, तो फोर्थ और फिफ्थ नहीं होगा, तो 1, 2, 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मूविंग प्रोसेस फ्रॉम मेन मेमोरी टू डिस्क इज कॉल्ड, जब हम मेन मेमोरी से डिस्क में प्रोसेस को मूव करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है, कैशिंग बोलेंगे, नहीं कैशिंग नहीं होगी, टर्मिनेशन नहीं होगी, इंटरप्शन नहीं होगा, इसको स्वैपिंग बोला जाता है, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, स्वैपिंग, ठीक है। तो स्वैपिंग क्या होती है, पेज मेकिंग प्रोसेस फ्रॉम मेन मेमोरी टू डिस्क इज कॉल्ड स्वैपिंग, ओके। तो स्वैपिंग एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसमें हम प्रोसेस को क्या करते हैं, मूव करते हैं मेन मेमोरी में से, ताकि जो स्पेस है वो खाली हो सके। चलिए आगे देखिए, पार्ट ऑफ ए प्रोग्राम वेयर द शेयर्ड मेमोरी इज एक्सेस्ड एंड विच शुड बी एग्जीक्यूटेड इंडिविजुअली इज कॉल्ड सीमाफोर, क्रिटिकल सेक्शन, डायरेक्टरी या म्यूचुअल एक्सक्लूजन। ओके क्या कह रहा है, पार्ट ऑफ प्रोग्राम है जहाँ पे शेयर्ड मेमोरी एक्सेस की जाती है, विच शुड बी एग्जीक्यूटेड मतलब इंडिविजुअली जो है उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, क्रिटिकल सेक्शन, ठीक है। अगला है, विंडो इज ए डैश ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, नॉन प्रिमिटिव, प्रिमिटिव, मल्टी यूजर या रियल टाइम। तो विंडो कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मल्टी यूजर। अगला है, द नाइस कमांड इज यूज इन यूनिक्स टू डिक्रीज द प्रायोरिटी ऑफ ए प्रोसेस, इंक्रीज द प्रायोरिटी, टू गेट द हाइएस्ट प्रायोरिटी, नथिंग टू डू विद द प्रायोरिटीज एंड नन ऑफ द अबव। देखिए नाइस कमांड जो यूज की जाती है यूनिक्स में, इसको हम प्रायोरिटी को इंक्रीज करने के लिए ये भी यूज़ करते हैं और डिक्रीज करने के लिए भी यूज़ की जाती है, ठीक है। तो नथिंग टू डू विद, इनमें से नन ऑफ द अबव जो है इसका वैसे करेक्ट आंसर होगा, कि दोनों के लिए जो है ये काम आती है, बट मे बी इन्होंने बट इंक्रीज द प्रायोरिटी माना था, बट ये दोनों के लिए काम होती है, ये याद रखिए, ठीक है। चलिए अगला देखिए, विच पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी सफर फ्रॉम बी लेडी एनवली, तो कौन सी सफ़र करती है, ये क्वेश्चन हम बार बार पढ़ रहे हैं, हर एक एग्जाम में ये देखने को मिल ही जाता है, तो फीफो में ये प्रॉब्लम आकर होती है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में, ठीक है। ओके आगे देखिए, कैशे मेमोरी इज हाई स्पीड रजिस्टर, लो स्पीड रैम, नॉन वोलेटाइल रैम या हाई स्पीड रैम। कैशे मेमोरी क्या होती है, क्या रजिस्टर होती है, नहीं रजिस्टर नहीं होती है ये, ठीक है, या ये रैम होती है, बट कैसी रैम होती है ये बताना है हमें। तो कैशे रैमरी मेमोरी जो होती है वो हाई स्पीड तो होती है और साथ में रैम होती है, तो हाई स्पीड रैम सही हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज प्रेफर्ड विद रिस्पेक्ट टू कोहेशन एंड कपलिंग, कोहेशन और कपलिंग से जो रिलेटेड है वो बताना है। ओके कोहेशन कैसा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए,
तो क्वेश्चन जो है हाई होना चाहिए और कपलिंग जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। तो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन जो है शुड बी हाई कोहेसिव, हाईली कोहेसिव एंड लो कपल्ड होना चाहिए। तो हाई एंड लो जो है करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है, हाई एंड लो। अगला है डिफरेंस बिटवीन फ्लो चार्ट एंड डाटा फ्लो डायग्राम इज, डिफरेंस बताना है कि डाटा फ्लो डायग्राम और फ्लो चार्ट में क्या डिफरेंस होता है। देखिए देर इज नो डिफरेंस, देखिए ऑब्वियस है डिफरेंस तो इनमें होता ही है। अगला कह रहा है कि यूजेज इन हाई लेवल डिजाइन एंड लो लेवल डिजाइन, कि ये कह रहा है कि जो फ्लो चार्ट है वो हाई लेवल में यूज करते हैं और डाटा फ्लो को हम लो लेवल में यूज करते हैं। तो ये भी नहीं है। कंट्रोल फ्लो एंड डाटा फ्लो या यूज इन एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड सिस्टम प्रोग्राम, देखिए जो मेन डिफरेंस है इनमें वो क्या है, कंट्रोल फ्लो एंड डाटा फ्लो। फ्लो चार्ट में फ्लो चार्ट जो है ये फॉलो करता है कंट्रोल फ्लो को, और डाटा फ्लो डायग्राम किसको, मतलब DFD में जो होता है वो होता है फ्लो ऑफ डाटा थ्रू ए सिस्टम, तो इसमें डाटा फ्लो होता है, ठीक है। तो ये चीज़ में याद रखिए, ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग, यूनिट टेस्ट, सिस्टम टेस्ट, वैलिडेशन टेस्ट या इंटीग्रेशन टेस्ट, इसमें हमें मैच करना है। तो देखिए कैसे होता है, यूनिट टेस्टिंग जो है ये किसकी की जाती है, कोड की, तो ये कोड से रिलेटेड हो जाएगा। फिर आता है इंटीग्रेशन टेस्टिंग, तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग हो जाएगी डिज़ाइन की। उसके बाद है नेक्स्ट जो है वो है वैलिडेशन टेस्टिंग, वैलिडेशन टेस्टिंग ये किससे रिलेटेड होती है, रिक्वायरमेंट से होती है, तो ये रिक्वायरमेंट से हो जाएगा। और सिस्टम टेस्टिंग जो है ये होती है किससे रिलेटेड, सिस्टम इंजीनियरिंग से, ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देंगे देखेंगे, ए का थर्ड है, बी का फोर्थ भी सही है, सी का फर्स्ट है और डी का सेकंड है। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे तो सी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रॉब्लम विद वाटरफॉल मॉडल्स आर, प्रॉब्लम क्या होती है वाटरफॉल मॉडल्स के साथ, रियल प्रोजेक्ट्स रेयरली फॉलो दिस मॉडल पर्पजेस, इट इज़ ऑफन डिफिकल्ट फॉर द कस्टमर, वर्किंग मॉडल इज अवेलेबल ओनली एंड देन डेवलपर्स आर डिले अननेसेसरली। रियल प्रोजेक्ट जो होते हैं वो इसको रेयरली फॉलो करते हैं, तो ये सही हो जाएगा। इट इज़ ऑफन डिफिकल्ट फॉर द कस्टमर, वर्किंग मॉडल इज अवेलेबल ओनली इन द एंड और डेवलपर्स आर डिलेड अननेसेसरली। चारों ही पॉइंट्स जो है बिल्कुल सही हैं, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में पूछे गए थे। होप सो आप सभी को क्वेश्चन सही लगे हों, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा। थैंक यू सो मच।